नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मल्टीप्लाई इंजीनियर पर स्वागत है। दोस्तों, मेरी बोर्ड मास के 100 क्वेश्चन की सीरीज़ है और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी सीरीज़ को कंप्लीट देखें। ये 100 क्वेश्चन देखने के बाद डेफिनेटली आपकी मैथ में काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। थैंक यू, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 - 8 + 3 + 8 (24)8। तो बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले करते हैं ब्रैकेट ऑफ। तो हम ब्रैकेट में देखते हैं, ब्रैकेट ऑफ करेंगे, इसमें डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे इसको 24 / 8। 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 24। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये सोल्व होकर 3 आ जाएगा। ये देखिए 14 है, इसके आगे क्या है, माइनस है, इसके पहले प्लस है। तो इसका मतलब इसमें कुछ नहीं करना, सेम इसमें भी कुछ नहीं होना, इसमें भी कुछ नहीं होना। हम इन तीनों को प्लस या माइनस जो भी है कर सकते हैं। अभी 8 को हम प्लस नहीं कर सकते 3 के साथ, क्योंकि 8 के साथ अभी क्या फंक्शन होना है, मल्टीप्लाई होना है। लेकिन इसके आगे पीछे कोई मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं है, इसके आगे पीछे मल्टीप्लाई डिवाइड ब्रैकेट कुछ नहीं है, इसके साथ भी कुछ नहीं है। तो हम इन तीनों को अभी सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए 14 + 3 = 17, पहले आप ऐड कर लीजिए, या फिर अगर आप चाहें 14 - 8 कर सकते हैं तो आ जाएगा 6 + 3 करेंगे आ जाएगा 9। अगर आप ऐसे करते हैं 14 + 3 = 17 - 8, फिर प्लस 8 आ जाएगा एज इट इज, और ये सोल्व करने के बाद आया हमारा 3, ये हो जाएगा (3)। अब देखिए 17 - 8 कर सकते हैं, ये आ जाएगा 9, फिर 8 × 3 इसकी होगी मल्टीप्लाई। इसके पहले अगर हम देखते हैं, इसके पहले क्या है, प्लस है, और इसके आगे कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है ये पूरा 1 है, इसमें हम बोर्ड मास लगाएंगे तो मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 3 = 24। तो इसका आंसर आ जाएगा 24 + 9 = 33, इसका आंसर होगा 33। देख लीजिए हमने पहले क्या किया, इन तीनों को प्लस माइनस जो भी है वो कर लिया, और इसको डिवाइड कर लिया हमने 8 × 3 = 24। 8 बार आ गया, ये हमने 14 + 3 किया है, -8 किया है, प्लस एज इट इज़, 8 एज इट इज़, ये सोल्व करके आया 3। इन दोनों को हमने माइनस किया आया 9, इन दोनों की मल्टीप्लाई की आया 24, दोनों को ऐड किया आंसर आया 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 × 5 + (14 + 8 - 36)/9। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट करेंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे 4 × 5 + 14 + 8, ये हो जाएगा 22 - 36/9। अब क्या करेंगे, ये देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके आगे, इस पूरे के आगे प्लस है और इसके पहले भी प्लस है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, बोर्ड मास लगा सकते हैं। तो मल्टीप्लाई होगा 5 × 4 = 20 प्लस, ये देखिए ये 22 ही आएगा, इसके पहले प्लस, आगे माइनस, मतलब इसके साथ कोई रूल नहीं लगना अभी, इसको एज इट इज़ लिखेंगे 22। अब देखिए इस डिजिट के पहले, पूरे के पहले माइनस और आगे कुछ नहीं है, इसमें बोर्ड मास लगेगा क्योंकि इसमें डिवाइड है अभी। तो 36 / 9, 9 × 9 = 9, 9 × 4 = 36, ये आ जाएगा 4। अब साइन क्या आएगा, साइन जो पहले है, बाहर है, वो आएगा साइन माइनस। अब देखिए कुछ नहीं करना, 20 + 22 = 42 हो जाएगा, -4, ये एज इट इज़ नीचे आएगा, 42 में से 4 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 38 आंसर। देखिए हमने पहले क्या किया, ब्रैकेट को सोल्व किया। अगर आप चाहें तो 5 × 4 = 20 आप नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ही कर सकते थे, और इसको भी आप सबसे पहले यहाँ पर कर सकते थे। देखिए मैं करके दिखाता हूँ एक बार, और इस डिजिट के पहले प्लस, आगे प्लस, इसमें बोर्ड मास लगा सकते हैं। 5 × 4 = 20 + 14 + 8 = 22 - 36/9, इसमें लगा सकते हैं बोर्ड मास, 9 × 4 = 36। सोल्व करेंगे
20 प्लस 22 42 माइनस 4 आंसर आ जाएगा 38। अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो लोग अभी सीख ही रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, उन्हें एक एक स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ऐसे डायरेक्ट एक बार में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 माइनस 7 इंटू 6 प्लस 2 प्लस 56 माइनस 8। देखिए अब सबसे पहले हम बोर्ड मास का रूल लगाएंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे पहले इसको। इस पूरी डिजिट के आगे इधर प्लस है और आगे प्लस है, इस पूरे के अंदर देखेंगे इसलिए हम। इसमें हमने देखा 17 माइनस 7 कितना हुआ 10 इंटू 6 प्लस, आगे प्लस है, प्लस लिख दिया मैंने। अब देखिए 2 के आगे पीछे क्या है, प्लस है, इधर भी प्लस है, इसमें कोई मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं है 2 के साथ, तो इसको एज इट इज़ 2 ही रहने देंगे। 56 के साथ भी कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं है, प्लस माइनस आगे पीछे, तो इसलिए प्लस माइनस करेंगे। अगर किसी के साथ इनटू डिवाइड या ब्रैकेट में कुछ होता है तो हम करते हैं, वरना एज इट इज़ उसको हम आगे या पीछे वाले के साथ ऐड या माइनस कर सकते हैं, जो भी गिवन है। तो यहाँ देखिए 2 के साथ कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं है, 56 के साथ भी नहीं है, 8 के साथ भी नहीं है, तीनों के साथ जो साइन है सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस के हैं। इन तीनों को हम अभी यहाँ पर ही प्लस माइनस कर सकते हैं। 56 प्लस 2 58 माइनस 8। अब देखिए इसके आगे प्लस है 10 के साथ, देखते हैं पहले प्लस है, आगे इनटू है, फिर प्लस है, तो मतलब क्या है, अभी हम इसके साथ ऐड नहीं कर सकते, कुछ नहीं, पहले हमें यही सोल्व करना होगा। 10 इंटू 6 60 प्लस 58 में से माइनस 8 करेंगे, ये क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। 60 प्लस 50 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110। यही क्या है, इसका आंसर है। देखिए पहले हमने ब्रैकेट सोल्व किया इंटू 6, 2 के साथ कोई मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं है, 56 के साथ नहीं है, 8 के साथ भी नहीं है, तो इसलिए हमने इन तीनों को प्लस माइनस जो भी करना है वो किया। तो मैंने पहले क्या 2 और 56 को ऐड कर लिया, माइनस 8 एज इट इज़, 10 इंटू 6 की मल्टीप्लाई 60, 58 माइनस 8 50, 60 प्लस 50 110 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 डिवाइड बाय 4 प्लस 3 प्लस विद इन ब्रैकेट 10 माइनस 8 इंटू 5। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 28 डिवाइड बाय 4 क्या आएगा, 4 वन जा 4, 4 7 जा 28, ये होगा 7, प्लस एज इट इज आएगा 3, प्लस 10 माइनस 8 कितना होगा 2, 2 के साथ इंटू है 5, इंटू 5 होगा। अब देखिए क्या करेंगे, 7 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड में कुछ नहीं है, प्लस 3 है और 3 के साथ भी कुछ नहीं है, तो इसलिए इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। 7 प्लस 3 10 प्लस 2 इंटू 5, इसमें बोर्ड मास लगाएंगे क्योंकि 2 के साथ क्या हो रहा है 5 हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5 टू जा 10 और 10 प्लस 10 20 आंसर। क्या किया हमने, पहले हमने इसको डिवाइड किया, ब्रैकेट था, ब्रैकेट सोल्व किया, प्लस 3 एज इट इज आ गया, प्लस 10 माइनस 8 2 इंटू 5, 7 प्लस 3 10, हमने 2 को ऐड क्यों नहीं किया 3 के साथ, 3 प्लस 2 क्यों नहीं किया, क्योंकि 2 के साथ अभी मल्टीप्लाई है 5, बोर्ड मास में क्या है, पहले मल्टीप्लाई करते हैं बाद में जाके ऐड होता है, बी ब्रैकेट ओ ऑफ डी डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, तो इसलिए हमने 3 प्लस 2 नहीं किया, पहले इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर 7 प्लस 3 10 के साथ 10 को ऐड किया, आंसर आया 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 माइनस 5 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 20 डिवाइड बाय 4। स्टार्ट करते हैं इसको, 12 माइनस 5, 12 के साथ कोई मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं है और 5 के साथ भी मल्टीप्लाई डिवाइड में कुछ नहीं है, तो इन दोनों को हम प्लस माइनस कर सकते हैं। 12 माइनस 5 7 आ जाएगा प्लस, अब देखिए 6 के साथ क्या है, मल्टीप्लाई 3 है,
इसके साथ आगे डिवाइड वाइड कुछ नहीं है, इतना ही क्वेश्चन अपने आप में बन जाता है 6 × 3। तो इसलिए इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 3 = 18 प्लस 20 / 4। 20 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, ये आ जाएगा हमारा प्लस आ गया 5, 4 × 5 = 20। अब देखिए इन तीनों को हम सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ना तो 7 के साथ कोई मल्टीप्लाई डिवाइड में, ना 18 के साथ है, ना ही 15 के साथ है। तो इनको ऐड करेंगे, 18 + 7 = 25 + 5, ये आ गया 30 आंसर। देखिए हमने यहाँ पर 5 और 6 को ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि 5 के साथ तो मल्टीप्लाई डिवाइड में कुछ नहीं है, लेकिन 6 के साथ अभी क्या है, 3 मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद ऐड करेंगे एज पर बोर्ड मास रूल, तो इसलिए इसका आंसर आया 30। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।